बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरे लेक्चर से फायदा उठा रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, बीच में कुछ ब्रेक रहा उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। इंशाल्लाह आज से जो है हम अपने लेक्चर्स को अगेन कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था बेसिकली। तो चैप्टर नंबर 8 में अल्काइन्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, विच वॉज लेक्चर नंबर 27। आज अब हम लेक्चर नंबर 28 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अल्काइन्स के रिएक्शन पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले रिएक्शन की टाइप क्या है, दे आर एडिशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि जस्ट किसी भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पाई बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं और वो जितने भी पाई बॉन्ड्स हों वो ब्रेक हो जाए तो उसकी जगह पर जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो जस्ट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो जाता है, तो इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। मिसाल के तौर पे ये पहला रिएक्शन जैसे है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें इथाइन जो कि वेरी फर्स्ट मेंबर है अल्काइन फैमिली का, तो जो इथाइन है इसका सिंपली बॉन्ड ब्रेक होगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन इसका हिस्सा बन जाएगा, इसमें एड हो जाएगा, इसको कहेंगे एडिशन रिएक्शन। तो आप देखें स्टूडेंट्स, यहां से ये पाई बॉन्ड है इसका, दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड है अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो अब ये एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी यहां पर ट्रांसफर, इसका इलेक्ट्रॉन भी यहां पर ट्रांसफर, क्योंकि एक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर से बना हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, जब ये बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ऊपर वापस चले जाएंगे। अब यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें भी कितने हाइड्रोजन है, हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है। तो स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन एटम ने इस कार्बन के साथ अटैच हो जाना है और दूसरे ने इस कार्बन के साथ अटैच हो जाना है। तो आप देखें ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, निकल, प्लाटिनम या प्लाटिनम, ये तीन डिफरेंट कैटलिस्ट है हमारे पास, कोई एक इनमें से यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो निकल को आमतौर पे यूज किया जाता है बिकॉज इट इज इकोनॉमिकल और उसके अलावा ये आमतौर पे आसानी से मिल भी जाता है। तो स्टूडेंट्स, निकल है, निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे। यहां देखें एक एक हाइड्रोजन था, आफ्टर रिएक्शन कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन आ गए हमारे पास। और ये इथाइन से इस टाइम हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया इथीन। अब मजीद हाइड्रोजिनेशन भी की जा सकती है क्योंकि अभी भी स्टिल इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड था तब दो पाई बॉन्ड थे और एक सिग्मा बॉन्ड, अब इसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई रह गया। अभी भी ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा अगेन, यहां यहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे स्टूडेंट्स, अगेन एक और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के इधर अटैच हो जाएगा। यहां पर ये मैंने एग्जैक्ट कंडीशंस लिख दी हैं कि निकल की मौजूदगी में 200-300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, तो अंडर दीज कंडीशन हाइड्रोजन का एक एटम इस कार्बन के साथ अटैच होगा, एक एटम इस कार्बन के साथ अटैच होगा जब बॉन्ड टूटेगा। तो आप देखिए प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड की बजाय अब सिर्फ सिंगल बॉन्ड है जो कि बस एक सिग्मा बॉन्ड रह गया दो कार्बन एटम्स के दरमियान, और पहले यहां पर दो दो हाइड्रोजन थे तो अब कितने हो गए, तीन तीन हाइड्रोजन हो गए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एडिशन रिएक्शन। क्या आप देखें जस्ट हाइड्रोजन एड होके बॉन्ड टूटा और एड होके मॉलिक्यूल का हिस्सा बनता जा रहा है, तो इनको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। और उसमें से हमने एक पढ़ लिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसको हाइड्रोजिनेशन भी कहा जा सकता था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन, अब इसको भी कहा जा सकता है हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ इथाइन। तो इसके अंदर आप देखें अगेन हमारे पास इथाइन है विच इज द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन। स्टूडेंट्स, अगेन एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होंगे, एक पाई बॉन्ड टूटेगा बिल्कुल हाइड्रोजन की तरह, एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच होगा, एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच होगा, और यहां पर हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। आप देखें क्लोरीन यहां पर एक एक यहां पर लग गया, तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रिपल बॉन्ड था आप देखें आगे प्रोडक्ट में वो डबल बॉन्ड रह गया और ये जो वो क्लोरीन है वो डिफरेंट कार्बन पर अटैच हो गए। अगर मैं इसका नेम बताऊं तो इस पे 1 लिख देता हूं, इस पे 2। आप नॉमेनक्लेचर पहले पढ़ चुके हैं, पहले हमेशा जो सब्स्टिट्यूएंट है उनका नाम आता है, तो दो सब्स्टिट्यूएंट है दोनों की पोजीशंस भी बताएंगे स्टूडेंट्स, इसका नाम बन जाएगा 1,2। अब आगे हम सफिक्स लगाएंगे डाई,
क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, ठीक है, 1, 2 डाई क्लोरो और 2 कार्बन है उसको इथीन कहा जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका नाम होगा 1, 2 डाई क्लोरो इथीन, हमारे पास ये बना। अब मजीद क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, फिर से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पहले 3 से 2 हो गए थे, अब 2 जो थे उसमें भी 1 क्लोरीन ऐड इधर 1 इधर, अब 2 की बजाय सिंगल बॉन्ड रह गया, लेकिन 4 क्लोरीन एटम अब इसमें अटैच हो गए, मजीद क्लोरीनेशन कर दी, हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन। तो देखें अगेन 1, 2, अब टोटल 4 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4 ही मैं इसकी पोजिशन भी बताऊंगा, 1, 1, 2, 2। अब हाइफन और 4 को कहते हैं स्टूडेंट्स टेट्रा, सो 1, 1, 2, 2 टेट्रा क्लोरो इथेन। पहले इथेन कहा था मैंने बिकॉज इट वॉज अ डबल बॉन्ड, अब सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या कहेंगे जी, इथेन कहेंगे। तो स्टूडेंट इसका नाम होगा 1, 1, 2, 2 टेट्रा क्लोरो इथेन। ये कंप्लीट क्लोरीनेशन हो गई, जिसको मैं हैलोजिनेशन कह रहा था वो जनरली कह रहा हूं, क्लोरीन वो वाला हैलोजिन है जो इसमें ऐड हो रहा है। तो आप देखें पहले ट्रिपल से डबल हुआ बॉन्ड, 2 क्लोरीन ऐड हुए थे, अब मजीद 2 क्लोरीन ऐड हो गए तो वो फाइनली हमारे पास सिंगल बॉन्ड आ गया और 4 क्लोरीन ऐड, तो 1, 1, 2, 2 टेट्रा क्लोरो इथेन कंपाउंड बन गया। ये 2 रिएक्शन थे हमारे पास। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स आगे मजीद एडिशन ऑफ हैलोजिन एसिड। तो हैलोजिन एसिड क्या होता है, हैलोजिन आपको पता है स्टूडेंट 7A ग्रुप का जो है हम इसको हैलोजिन्स कहते हैं। तो कोई भी हैलोजिन हो आमतौर पे क्लोरीन और ब्रोमीन को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जब ये क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे तो हम इन्हें कहेंगे हैलोजिन एसिड, जैसे कि HCl, जैसे कि HBr या HI हो या HF हो, हैलोजिन्स के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होता है तो वो हो जाता है हैलोजिन एसिड। अब हम हैलोजिन एसिड इथाइन में ऐड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स देख ले आप यहां से बॉन्ड ब्रेक होना है बिकॉज ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से ब्रोमीन पे फिर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ये इस तरह से एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट बन जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां से क्या होगा, आप देखें जो ट्रिपल बॉन्ड है अगेन उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन जो है आप देखें इस कार्बन के साथ जाकर अटैच और ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, चूंकि बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर से बना हुआ होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअली शेयर्ड थे जिसकी वजह से ये कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई हुई थी। तो स्टूडेंट्स जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन वापस इस पे वापस, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना है एक के साथ ब्रोमीन ने। तो अब आप देखें जो प्रोडक्ट बन रही है ट्रिपल बॉन्ड की बजाय यहां पर डबल बॉन्ड रह गया और ये खाली CH था, एक हाइड्रोजन जब ये ऐड हुआ तो ये बन गया CH2, डबल बॉन्ड CH वैसे का वैसे और ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच हुआ वो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां से ये कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड का क्या नाम है जरा गौर से सुन लें, ये जो इतना ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है विनाइल, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां तक ब्रोमीन को मत देखिए अभी, यहां तक ये कहा जाएगा विनाइल, ठीक है। और जब ब्रोमीन साथ अटैच हो गया तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इथाइन था उसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड हैलोजिन एसिड ऐड किया जिससे बना विनाइल ब्रोमाइड। अब ये विनाइल ब्रोमाइड में मजीद हम ऐड करेंगे, बट यहां पर आपको एक ख्याल रखना है एक रूल का, वो रूल हमने पहले अल्कीन में पढ़ा था स्टूडेंट, वो रूल है मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है। ये मार्कोनिकोव्स रूल में जो मेरा लेक्चर है मैं उसका लिंक में इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी को ये रूल सही से ना आता हो तो वो वहां से दोबारा देख सकता है। मैं समझा देता हूं रूल क्या है जी, मार्कोनिकोव्स रूल, कि अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और उसके अंदर एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड हो रहा है तो स्टूडेंट्स वो जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है ना उसका जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे कि यहां पर ब्रोमीन है तो नेगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच होता है
जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो। तो इट्स मीन यहां पर दो कंडीशन है, एक बात तो ये नेगेटिव पार्ट के अटैच होने की, ठीक है, जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जाकर अटैच होगा, कि एक शर्त तो यह है कि उसने डबल बॉन्ड बनाया हो, और दूसरी कंडीशन यह है कि उसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो, यानी कि कम हाइड्रोजन एटम्स की तादाद हो। तो आप देखें ऐसी खूबी इस कार्बन में है स्टूडेंट, एक तो इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और दूसरा इस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, सिर्फ एक है जबकि यहां पर दो थे। तो इट्स मीन नेगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट विल गोज टू दिस कार्बन बिकॉज इट इज डबली बॉन्डेड एज वेल एज इट हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, क्लियर। तो आप देखें ये ब्रोमीन यहां पर आकर अटैच हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड था स्टूडेंट्स ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो एक जगह तो ब्रोमीन अटैच दूसरा हाइड्रोजन अटैच। तो आप देखें जो CH2 था प्रोडक्ट में वो मेरे पास CH3 बन चुका है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट, कार्बन इसके साथ एक ब्रोमीन था वो तो ये था, जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से ब्रोमीन ऐड हुआ स्टूडेंट्स वो ये ब्रोमीन हमारे पास अटैच है, और जो ये वाला हाइड्रोजन है वो इसके साथ वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इस तरह से इस कार्बन के भी चार बॉन्ड पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास जो प्रोडक्ट बनी है इसको मैं क्या कह सकता हूं, वन और टू अगर कहें तो स्टूडेंट्स ये वन वन हाइफन डाई ब्रोमो इथेन कहा जाएगा इससे, ठीक है, वन वन डाई ब्रोमो इथेन। तो ये था जी आपके पास एडिशन ऑफ हैलोजिन इससे। स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ वाटर की, अब वाटर को ऐड करते हैं जरा इथाइन के अंदर और इसको सीखते हैं कि ये कैसे ऐड होगा। तो आप देखें अगेन जी हमारे पास इथाइन है, तीन बॉन्ड है इसके पास ट्रिपल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड को जिसने ब्रेक करना है स्टूडेंट, एक बॉन्ड ब्रेक होके एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा, ये बात तो हम पहले रिएक्शन से सीखते आ रहे हैं। अब रिएक्शन करवाने के लिए आप देखें इसके अंदर हमारे पास जो मिक्सचर है वो किसका है, 1% मर्क्यूरिक सल्फेट लिया जाएगा, 60% स्टूडेंट्स क्या लिया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। हमें ये रिएजेंट जनरेट करना है, पहले ये रिएजेंट प्रिपेयर करना है बनाना है, क्योंकि इसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इथाइन है, ये रहा वाटर, एच एंड ओ एच मीन्स एच टू ओ, ये वाटर है। तो आप देखें एक बॉन्ड यहां से ब्रेक, एक ये ब्रेक, तो स्टूडेंट्स फिलहाल क्या होगा कि एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच और दूसरे कार्बन के साथ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। अगेन कंडीशंस याद रखनी है आपने कि 1% मर्क्यूरिक सल्फेट, क्लियर, मर्क्यूरस सल्फेट बाय द वे इसको कहेंगे, क्योंकि यहां पर मर्क्यूरस इसलिए कहेंगे इस पर प्लस टू का चार्ज है क्योंकि यहां पर माइनस टू का। सो ये 1% मर्क्यूरस सल्फेट का सोल्यूशन और स्टूडेंट 60% सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन, इनको आपस में मिक्स करेंगे। अब उसके बाद 75 डिग्री सेल्सियस राउंड अबाउट टेम्परेचर गिव करेंगे। अंडर दीज कंडीशंस इथाइन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके स्टूडेंट्स ये कंपाउंड बना देगी। अब ये कंपाउंड में जरा सीखने वाली बात है, यहां पर आमतौर पर पेपर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू आ जाता है, जरा ये गौर कीजिएगा कि स्टूडेंट्स आप देखें अगेन ये इतना कंपाउंड जो है मेरे पास ये क्या है विनाइल है, जैसे यहां ऊपर बात की थी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड, तो आप देखें सी एच टू डबल बॉन्ड ये बना हुआ है साथ सी एच और ये सिंगल बॉन्ड, ये हो गया विनाइल। और ओ एच जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स ओ एच होता है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, तो जिसकी वजह से इस कंपाउंड का नेम क्या है विनाइल अल्कोहल। अब ये जो विनाइल अल्कोहल है ये बेसिकली एक अनस्टेबल इनॉल भी कहलाता है, ठीक है। इसको इनॉल इसलिए कहा जा रहा है कि ये अल्कीन का कंपाउंड है, तो ई एन ई अल्कीन के एंड पे आता है और अल्कोहल के एंड पे ओ एल आता है, तो इनका कंबाइन करके एक वर्ड बनाया जाता है जो कि क्या है हमारे पास इनॉल है। अब इनॉल की जरा डेफिनेशन भी सीख लेते हैं कि ये इनॉल होता क्या है। आप देखें इनॉल उस तरह के कंपाउंड को कहा जाता है कि जहां पर स्टूडेंट्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है ओ एच, तो जी जब ओ एच ग्रुप अटैच होगा कहां पर,
ऐसे कार्बन एटम के साथ कि जो डबली बॉन्डेड हो और बाद में आइसोमराइज होकर वो कन्वर्ट हो जाता हो लाइक एसिटैल्डिहाइड में, जैसे यहां पर कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो आप देखें इनॉल हम किसको कहेंगे कि जहां पर कोई ऐसा कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। एक बात यह है, वी हैव अ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और अब इस कंपाउंड की, इस मॉलिक्यूल की रीअरेंजमेंट हो जानी है, आइसोमराइजेशन हो जानी है और उससे एक नया कंपाउंड जनरेट हो जाएगा, जैसे यहां पर एसिटैल्डिहाइड जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनॉल। अब देखें स्टूडेंट जो बात की है यहां पर, ये जो विनाइल अल्कोहल है ना, यही हमारे पास एक इनॉल है। क्यों इनॉल है, आप देखें यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि ऐसे कार्बन एटम के साथ अटैच है जो डबली बॉन्डेड है और उसके बाद इसमें आइसोमराइजेशन होती है, तो ये जो कंपाउंड है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आगे जाके आप देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है एसिटैल्डिहाइड। तो आप देखें यहां पर ये एसिटैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, तो इसको फिर इसलिए इनॉल कहा जाएगा और ये कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, एडिशन ऑफ वाटर यहां पर कंप्लीटली एडिड हो जाता है इथाइन में। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं ये सिर्फ हमारे पास जो इथाइन है, इथाइन सिर्फ एसिटैल्डिहाइड गिव करता है, अगर प्रोपाइन हो या बाकी फैमिली के हायर मेंबर्स होंगे तो वो जस्ट क्या गिव करेंगे, दे विल गिव कीटोन, वो कीटोनिक ग्रुप बनाएंगे, जबकि इथाइन ऐसा है कि जो क्या करता है एसिटैल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट करता है। स्टूडेंट उसकी भी एक एग्जांपल नीचे है, आप देखें ये अब मेरे पास प्रोपाइन है। ठीक है, इसके अंदर भी उसी तरह वाटर ऐड हो रहा है, वाटर ऐड होगा स्टूडेंट ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OH ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच, H इस कार्बन के साथ अटैच, तो आप देखें ये रहा CH3 जो कि वैसे का वैसे लिखा, ये रहा कार्बन इसके साथ आके ये OH ग्रुप अटैच हो गया और ये एक हाइड्रोजन था, आप देखें यहां दो हाइड्रोजन हो गए और ट्रिपल की बजाय अब डबल बॉन्ड रह गया, तो ये मेरे पास अभी एक कंपाउंड बना। अब आके आप देखें तो स्टूडेंट्स ये वाला बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जब ये बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड फिर टूट के यहां पर ट्रांसफर हो जाता है और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, तो आप देखें CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आएगा आगे क्योंकि ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो चुका हुआ है और साथ CH3, तो ये मेरे पास क्या बन गया, मिथाइल कीटोन इसको मैं कह सकता हूं या एसीटोन कह सकता हूं, तो कीटोन बना जबकि यहां पर हमारे पास क्या बन रहा था, एल्डिहाइड बन रहा था। देखें यहां पर भी ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो रहा है और फिर ये वाला बॉन्ड जब इधर ट्रांसफर होता है तो ये हाइड्रोजन इसके साथ आकर अटैच होता है, यहां से भी क्या बन गया, एसिटैल्डिहाइड बन गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने अल्काइन के चार रिएक्शंस को डिस्कस किया है, चारों रिएक्शन की नेचर एडिशन रिएक्शन है। स्टूडेंट सबसे पहले हमने हाइड्रोजन ऐड किया जिसको हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है, उसके बाद हमने हैलोजन ऐड किया जिसको हैलोजिनेशन कहा जाता है, उसके बाद हमने हैलोजन एसिड को ऐड किया और फाइनली स्टूडेंट्स हाइड्रोलिसिस की मतलब इसके अंदर वाटर को ऐड किया। इन सब की कंडीशंस भी आपके सामने हैं, ये कंडीशंस को मेमोराइज करना, याद करना बहुत जरूरी होता है, जब आप पेपर में ये क्वेश्चन करेंगे तो इन कंडीशंस को लिखेंगे आप। ठीक है, अब आपका इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप काइंडली उसको कमेंट्स में लाजमी पूछें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।